नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रिय साथी विद्यार्थी छात्र, पूरे देश से मुझे मुझे जानकारी है कि अभी पूरे देश से आयुर्वेद के जो छात्र हैं वो इस फेसबुक लाइव में उपस्थित हैं। नसीह की तरफ से ये लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे आप सबसे बात करने का मौका देने के लिए, ये मंच से उपलब्ध कराने के लिए मैं नस्य का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। अभी इन दिनों जो हम पिछले कई दिनों से, 1 महीने से ज़्यादा समय से हम घर में बैठे हैं और एक प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति में है, तो लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों को सबको आत्ममंथन करने का मौका भी मिला होगा और कुछ इनोवेटिव काम भी हमने किए होंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत सारे इनोवेटिव काम जो है वो आगे जा कर के हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए खूब सहायक होंगे। मुझे ये भी पता है कि आपकी मेरे से अपेक्षा क्या है। मुझे लगता है कि हम सिर्फ यहाँ कोविड के बारे में, आयुष के लोग क्या कर रहे हैं उसके सिवाय, एजुकेशन में क्या नया हो रहा है, क्या संभावनाएं हैं, या आप जब कॉलेज से बाहर आएंगे तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी शायद आप जानकारी करना चाहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों में आयुष मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे नए नए कार्य हुए और इन नए नए कार्यों की खूब सराहना भी हुई। और मैंने एक ट्रेंड देखा कि जैसे फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर उसके बारे में जैसे ही कुछ बताया गया तो उसको खूब सराहा गया। कुछ ट्रेंड मैंने देखा, ट्रेंड ये देखा कि बहुत सारे लोग उसमें भी कैंपेन में जुट गए। एक कैंपेन ये था कि आप काम तो कर रहे हो, जॉब कहाँ है, हमें नौकरी चाहिए। या एक ट्रेंड मैंने ये देखा एक जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सभी चीज़ों में कुछ नुस्खी नज़र आता है, उनको कुछ ना कुछ टीका करनी होती है, तो कैसे भी टीका करनी है तो कुछ उसके बारे में अपना मंतव्य रखना। हम लोकतांत्रिक देश हैं, वी आर ऑल फ्री सवर व्यूज, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत भी है। मैं विश्व के कई देशों में गया हूँ और ये ताकत का एहसास तब होता है आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इस प्रकार की होती पता चलता है मेरे पास कितनी बड़ी ताकत है व्यूज एक्सप्रेस करने की। उस फ्रीडम है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। उसकी मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप ये जो अपने पास ये जो कैपेसिटी है उसको सही दिशा में मोड़ कर अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इस एनर्जी को लगाइए। कैसे लगाना उसके मैं बात करूंगा। सबसे पहले COVID-19 ये जो क्राइसिस है उस पहले इंप्रेशन थोड़े दिन पहले तक ये थे कि अरे आयुष को कोई पूछता नहीं, आयुष में कुछ नहीं है, या हम कहाँ हैं, आयुर्वेद कहाँ पर स्थान है यहाँ। मित्रों ये बताना चाहूँगा कि अभी भी COVID-19 के बिहेवियर में बहुत सी हाइपोथेसिस है। वास्तविक रूप से ये वायरस कैसे बिहेव करता है उसकी अभी जानकारी नहीं है। बहुत सारी हाइपोथेसिस से कुछ प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं उसको काउंटर करने के दूसरे प्रमाण हैं। जैसे
एक बच्चा पॉजिटिव पाया गया, उस परिवार के लोग पॉजिटिव पाए गए, उनके दूर दूर तक कोई विदेश से आने 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 वालों के साथ संपर्क में कोई हिस्ट्री नहीं है। और अब 28 दिन के बाद, ये 2-3 दिन पहले की बात है, 28 दिन के बाद लॉकडाउन में रहने के बाद, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग न होने के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है ये वायरस 14 दिन के बाद भी यदि लेटेंट है तो बाद में वो पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे बहुत बहुत सारे प्रमाण सामने, पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये फ्लू लाइक है और ये जिनको होता है वो उनको रेस्पिरेटरी का असर होगा, उनको प्राणवश होता, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में उसके मिलेंगे, उसको हमने बहुत सारे लोगों ने इसको इंटरप्रेट करके वातश्लेष्म ज्वर या सन्निपात ज्वर करके इसको एक संप्राप्ति बनाई। लेकिन अब पता चला कि नहीं नहीं ये तो रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी के सिम्टम मिलते हैं लेकिन पूरे शरीर के सभी सिस्टम पर असर करता है। ये हाइपोक्सिया का है, सेल्स के अंदर ब्लड सेल के अंदर एंटर करके ऑक्सीजन की सप्लाईज को रोकता है एंड दैट वे डैमेजेस द एंटायर सिस्टम। इसलिए अभी उसको इवोल्व हो रहा है कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, उसकी संप्राप्ति जिस कहते हैं, कौन सा दोष इसमें है, त्रिदोष है तो कैसे हैं। तो ऐसे में मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे में कोविड के प्रारंभ से ही, कोविड-19 प्रारंभ से ही हमारे पास पूरे देश से बहुत सारे सुझाव आने शुरू हो गए कि हमने इसको समझ लिया है, हमने औषधि खोज ली है और ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। टू द एक्सटेंट कि कुछ लोग तो सुबह शाम हमारे पीछे लगातार फोन कॉल्स चैनल्स कि अरे इसको आप तुरंत दीजिए, आप ये अभी मानवता की रक्षा करनी है और तुरंत इसको रोगी में दीजिए और देश को बचाइए। तो मैं उनकी जो जिन्होंने तरीके से हमसे संपर्क किया उनकी भावना समझ रहा हूँ कि उनको उनकी भावना में कोई नो डिस्प्यूट, वो वास्तव में अपनी तरफ से कोड करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें एक प्रकार के जो जनवंशकारी व्याधि के जाता न हो, हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक करेगा या इससे ठीक हो सकता, उसके कारण हम लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना। फिर हमने एक रास्ता निकाला, मैंने पहले भी बताया था कि हमने आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म खड़ा किया। देश भर से जिनको भी अपनी ओर से कुछ प्रस्ताव देना है, शोध का प्रस्ताव देना है, कुछ आइडिया देना है, कुछ जिनको बताना है, सुझाव देना है, उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म पर हमने एक वेब बेस्ड फॉर्म क्रिएट किया, एक ईमेल एड्रेस भी दिया और उस ईमेल में हमने बताया आप अपना आइडिया उस फॉर्म पर सबमिट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर 3,600 से ज़्यादा ऐसे आइडियाज सामने आए और 3,600 को हम कैसे स्क्रीन करें उसका मैकेनिज्म बनाया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वाइस चेयरमैन है रिनाउंड साइंटिस्ट, उनकी अध्यक्षता में एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स बनाया। आप मैं जानकारी दूं कि इन द मीन टाइम ये सब पहले प्रारंभ में ही 28 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष सेक्टर के विख्यात वैद्य इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स देश भर से लोगों से उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आपके तरफ से अपेक्षा ये है कि आप बड़े बड़े क्लेम कर बंद करो लेकिन वास्तव में एविडेंस जनरेट करो, आप शोध करो, बड़े संस्थानों के साथ करो, शोध करो और एविडेंस जनरेट के बाद आपका लोहा दुनिया मानेगी, जिसमें कोई संशय नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी के बाद ये टास्क फोर्स बनाई जो मैंने
टास्क फोर्स को डेट दिया कि आप ये प्रस्ताव वेबसाइट के नाम से उन प्रस्ताव में से जो डूर है जिसको आगे भेजा जा सकता है, जिसमें हमारे पास कुछ वैज्ञानिक प्रमाण हैं, कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वो है, तो हम इसको आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। ऐसे करो इन द मीन टाइम CSIR जी के साथ बात हुई, दोनों ने तय किया इस क्षेत्र में कुछ जो प्रोमिसिंग ग्रिड्स है उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमने उस तरफ भी काम करना शुरू किया। मैं आपको बता करके मुझे हर्ष हो रहा है कि अभी हम इस स्टेज में कि अगले दो दिनों में CSIR और आयुष मिलकर के देश भर में चार कैंडिडेट जो हमने आइडेंटिफाया है बेस्ड अवेलेबल एविडेंसेस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोर देन 200 रिसर्च पब्लिकेशंस से चार कैंडिडेट्स पर हम शोध का कार्य शुरू करने जा रहे हैं दो प्रकार से। ये चार कैंडिडेट है अश्वगंधा की इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट देना देखना चाहते हैं, बहुत सारे आयुर्वेद के वैद्य हैं वो उनको ये लगेगा अश्वगंधा कहाँ से आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी को सब लोग समझ रहे हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन इज वन ऑफ द एंट्री पॉइंट, जहाँ हम लोगों को जिसकी पैथोलॉजी के बारे में पता न हो वहाँ हम लोग आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा की बात करते हैं। अश्वगंधा के इम्यूनो उसको एक डेट के रूप में लिया गया। ऐसे ही गुडुची जो है गुडुची को भी लिया गया, यष्टिमधु को लिया गया और आई फोर करके अपना सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस के एक रिसर्च प्रोडक्ट है जिसको पेटेंट भी है के रूप में भी होते बहुत सारी कंपनीज आती है, उसको रिपर्पजिंग करके क्योंकि उसके बहुत सारे एंटीवायरल इफेक्ट दिखे गए दूसरे वायरस स्ट्रेंथ में, तो उसको हमें ना चाहिए करके उसको लिया। तो चार कैंडिडेट उसमें एक इंटरेस्ट हाइड्रोक्लोरो प्रोफाइलिस के रूप में दिया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी शोध भी हुआ, बहुत कंट्रोवर्सी भी आ रही कि वो उपयोगी है नहीं है, लेकिन वी वॉन्ट टू कंडक्ट स्टडी एज ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज ए प्रोफाइलेक्सिस, उसके पीछे एक प्रमाण है वर्ल्ड जर्नल ऑफ रूमेटोलॉजी विच इज हाई इम्पैक्ट जर्नल जिसका इम्पैक्ट काफ़ी हाई है, उस पब्लिकेशन है अपने देश के ही डॉक्टर चोपड़ा जी और उनकी टीम का एक पब्लिकेशन है, ही इज ए रिनाउंड रूमेटोलॉजिस्ट और ये बताता है कि रूमेटोइड आर्थराइटिस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं फॉर द इम्यूनो मॉड्यूलेशन, अश्वगंधा इज इक्वली इफेक्टिव, बट अश्वगंधा का साइड इफेक्ट नहीं है, तो हमें इसमें भी रिपर्पजिंग करके देखना चाहिए, एक स्टडी हम कर रहे हैं। और बाकी अश्वगंधा और बाकी जो चारों हैं उसके हम प्रोफाइलिसिस के एड ऑन थेरेपी ग्रुप में ले रहे हैं उसको, कि जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए तैयार हमारे सब KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और BH वाराणसी से हमारे पास इनिशियल कंसेप्ट भी आ गए हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं, दूसरे भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस से बात कर रहे हैं और उनके वहाँ जो कोविड के पेशेंट हैं उनटोमेटिक है या जिनके पास कम थेरेपी करना है तो प्रस्थापित करेंगे कि वास्तव में उसको अब देखना चाहिए। तो एक तो ये पक्ष हो गया चार कैंडिडेट पर एक्सटेंसिव स्टडी और उसके क्लिनिकल रिपोर्ट बनाया है, ICMR से भी चर्चा करी है और इसको बहुत आगे लेके जाना, इन चार प्रोडक्ट्स को स्थापित करना ये एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है देश भर में बहुत राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, कुछ राज्य सरकारें अपने आप ही कर रही हैं सब काम कि जो क्वारंटाइन में पेशेंट नहीं है जो जिन जो पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए ऐसे लोग हैं आइसोलेशन है या रेड जोन पॉपुलेशन रह रहा है या जो फील्ड पुलिस है या जो वॉलंटियर्स काम करे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको कुछ प्रोफाइलिंग चाहते हैं लार्ज स्केल पर ऑब्जर्वेशनल स्टडी शुरू करना चाहते हैं। आप सब छात्र हैं आपको शायद पता ना हो कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के कि ये सैंपल साइज मायने रखा कि ऑब्जर्वेशन से कम सा सैंपल तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता, एवं
लेकिन अब लार्ज स्केल पर आप एक्सरसाइज हो उसको भी विज्ञान में बहुत बहुत बड़ा प्रमाण मानता है। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 5 लाख बार ऑब्जर्वेशन स्टडी करेंगे प्रोफाइल एक्सिस पर। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। अभी राजस्थान गुजरात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती जयंती रवि डॉक्टर रवि ने 2-3 दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने गुजरात का एक अनुभव बताया कि 98 क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर 6,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को उन्होंने आयुर्वेद का इंटरवेंशन होम्योपैथी दिया कंसेंट की गई, और 12 लोग बाद में पॉजिटिव पाए गए, बाकी सब के सब भी पाए गए आफ्टर क्वारंटाइन पीरियड। जो 12 पॉजिटिव पाए गए वो तो अंतिम 3 दिन में ही आए थे, उनको इंटरवेंशन 3 दिन में दिया गया, तो वर्चुअली सब के सब नेगेटिव पाए गए। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, उसको हम बड़े स्तर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और ये एक बहुत ऑनेस्ट प्रयास है। बहुत सारे राज्य सरकार आयुष मंत्रालय के और कुछ कॉलेजेस कुछ एनजीओज सब मिलकर के इस काम में ओर से प्राणार्पण से लगे हुए हैं। ये भी हो गया है काम। एक आप उदाहरण देना चाहता हूँ, ये इससे भी बड़ा काम है। माननीय मंत्री जी ने आप सबको ध्यान होगा 13 अप्रैल को जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो उन्होंने सप्तपदी की बात करी, और उस सप्तपदी में तीसरा पद मतलब तीसरा सजेशन है उन्होंने कहा कि आप सब आयुष मंत्रालय के इम्यून प्रमोशन के जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना चाहिए, गर्म पीना काढ़ा वगैरह लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और आपको उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम सुना होगा कल का, उसमें उन्होंने उसको फिर से दोहराया, आप ये सब इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइन जो मैंने कहा है फॉलो करने के लिए उसको कर रहे हो, उन्होंने फिर रिटरेट किया। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है लेकिन सारे अपना जो तीन ज्ञान है उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, बाहर से कोई उसी को प्रमाण करके लेके आता है तो हम मान लेते हैं तुरंत, हम बहुत ज़्यादा जितना उसका सम्मान जितना होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। और उन्होंने उसको उदाहरण भी दिया कि वो शायद उन्होंने कहा शायद इस ऐसे हो रहा होगा कि हम बहुत सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे तो हमारी मानसिकता ऐसी हो गई होगी, लेकिन उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कल, युवा मत आप लोग आह्वान किया कि आप लोग आगे, और जैसे योग को विश्वभर में स्वीकृति मिली है ऐसे आयुर्वेद को विश्वभर में स्वीकृति मिले उसके लिए कार्य करें, उसके लिए उनकी भाषा में उनको जैसे समझ वैसे आपको करें एविडेंस जनरेट करें। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल का आह्वान सेक्टर को, हम क्या करना चाहते हैं तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको हम एक प्रकार से मैंडेट मानते हैं, आयुष मंत्रालय नहीं हम की बात कर रहे हैं, हमारे पूरे सेक्टर के लिए मैंडेट है, हम लोग डिलीवर कर रहा हमको काम करके दिखाना होगा, सिर्फ करने से शायद वो बात नहीं। लेकिन हम राष्ट्र जो कहा उसको हम उसका असर हाउ इट हेल्प्ड इन कंटेनमेंट ऑफ मिटिगेशन ऑफ 19 क्राइसिस उसको हम एक फॉर्मल स्टडी करना चाहते हैं। विश्व इस पर की स्टडी इतने लार्ज सैंपल साइज पर कभी नहीं हुआ। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 50 लाख लोगों पर इसको सैंपल साइज में इसका स्टडी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कि इम्यूनिटी प्रमोशन करो तो कितने लोगों ने करी, उससे उनको क्या लाभ हुआ, कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद हम कुछ दिन के बाद उनको फॉलो कर भी देखना चाहेंगे कि उसमें से कितने लोग बचे रहे। उसमें से हम ये भी देखना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो ग्लोबल आस्पेक्ट को भी हम चेक करेंगे कि कहाँ से हैं, मोबाइल नंबर के आधार से वेरीफाई कि एक दिन एक ही बार इसमें फीडबैक दिया, हॉटस्पॉट के एरिया में से कितने इसको किया,
और उस एरिया में जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया उसके कंपैरिजन में जिन्होंने फॉलो किया उसमें कितने लोग नहीं पढ़े या पढ़े। तो आप देखिए कि ये 50 लाख लोगों पर इतना बड़ा स्टडी, इसका इसका महत्व कितना बड़ा है। प्लेसमेंट ऑफ आयुष सेक्टर इज पॉसिबल आफ्टर 3 बिग एरियाज ऑफ स्टडीज। इसके लिए हमने आप सबको, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तो हमने कल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, इसका बीटा वर्जन है, कुछ दिनों में पूरे फाइनल वर्जन आगे iOS पर भी आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है आयुष संजीवनी, मैं रिपीट करता हूँ आयुष संजीवनी। एक बार प्ले स्टोर पर जा करके आयुष जीवनी देखिए, उसमें क्वेश्चनर है, दो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो एंड यूजर है साधारण लोग, और एक है चिकित्सक हेल्थ प्रोफेशनल फील्ड पर जो काम करता है। तो ऊपर काम करते हुए हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि फील्ड में जाओ तब आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी कर लो, लोगों से बात करके फैमिली एज ए यूनिट उसको दो, और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, उसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। आह्वान करता हूँ मैं सभी छात्र बंधु बहनों का कि इसको आप अपनी ओर से एक मैंडेट के रूप में लें, एक अपॉर्चुनिटी एक मौका करके लें। इस एप्लीकेशन का जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है, इससे हम लोगों को एक बहुत बड़ा डाटा पूल ऑफ डाटास जाएगा। और यही तरीके हैं आयुर्वेद को वैज्ञानिक तल पर आगे बढ़ाने के लिए। बाकी हम कहेंगे कि ये चिकित्सा कर लेने से कोविड में फायदा हो जाएगा, जबकि कोविड को कोई जानता नहीं है, ये संभव नहीं है। एड ऑन थेरेपी के रूप में बहुत सारी जगह काम हो रहे हैं। मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली में यहाँ 2 कॉलेज हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद महाविद्यालय और तिबिया कॉलेज, तो अपने देश के पुराने संस्थानों में से हैं। दोनों जगह कोविड के पेशेंट वहाँ स्टैंड एलोन आयुर्वेद की चिकित्सा दी जा रही है, प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जो जिनको एडवांस वो दूसरे इंटरनेशनल जा रहे हैं, पेशेंट की कंसेंट के दिए जा रहे हैं और उनको उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। कहीं नहीं हुआ, इवन चाइना में एड ऑन थेरेपी के रूप में हुआ है, स्टैंड एलोन आयुष चिकित्सा है, कहीं नहीं आई। आयुर्वेद और योग के साथ के ऐसे 200 पेशेंट अभी इस पर ही काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कहें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक बार अपने हम लोग सब लोग मिलकर आत्मविश्वास लबालब हो जाए, नेगेटिविटी को बाहर हटाए। पता है समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं कहाँ नहीं है, समस्या रोना रोएंगे तो हम आगे कैसे होंगे। इसलिए इन अपॉर्चुनिटीज को एक बार अपने सामने और इसका पूरा एक प्रकार से लाभ इसमें अपना हाथ बटाएं। एक चीज में और चर्चा होगा कि आयुष फोर्स, उसके coronavirus.gov.in पर जाइए, हमारे 1 लाख से ज़्यादा वर्कफोर्स को ट्रेनिंग हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें शिक्षक भी है, उसमें जो सरकारी क्षेत्र में करने वाले चिकित्सक भी है और जो सरकारी ऐसे चिकित्सक लोग भी हैं, तो सब ट्रेनिंग हुआ है। एंड उसमें 50,000 लोगों का प्लेसमेंट फील्ड में हुआ है और बाकी वी आर रेडी, हमने अपनी ओर से बूट करने के लिए संकल्प लिया है। और भारत सरकार के जो प्राप्त समूह है उसमें उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट का जो समूह है उसमें मैं भी हूँ, और हमने मिलकर के ये coronavirus.gov.in जिसके लिए हमने प्रधानमंत्री कल उल्लेख भी किया भी दी। तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पर पंजीकृत है, अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। इसको भी एक मैं आपको सुझाव दूँ कि आप अपनी ओर से एक बार इसको आप देखिए और उस पर अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करिए। जैसा मैंने कहा कि हम आज ये इस माध्यम से मिल रहे हैं, तो मुख्य हेतु तो ये है कि हम सब के मन में जिज्ञासा थी कि कोरोना के मामले में हम आयुष मंत्रालय या आयुष सेक्टर क्या कर रहा है। एक चीज में बताना भैया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करा उसके फ्लोप में ने हमारे आयुष मंत्री माननीय श्री श्रीपाद नायक जी और कॉमर्स एंड रेलवे मिनिस्टर श्री हमारे पीयूष गोयल जी, इन दोनों ने 2 बार इंडस्ट्री के साथ
रिसर्चर्स के साथ, एकेडेमिया के साथ बहुत लंबी चर्चाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से करी। उसका यह है कि आज के दिन में अपने जो बाधाएं थी लॉकडाउन के कारण आयुष क्षेत्र को वो दूर हुई है। आयुष क्षेत्र के चिकित्सकों को जो प्रारंभ में बंद थे चालू हो गए, फैक्ट्रीज चालू हुई है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी समस्या थी वो भी ठीक हुई है। और एक विशेष बात है कि पहली आयुष इंडस्ट्री जो है वो पहली आयुष इंडस्ट्री वो सरकार के साथ करके बहुत बड़ा काम करने जा रही है। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ हमारे कम्युनिकेशन आया है कि आप बताइए हम प्रोफाइल एक्सेस के लिए कितनी मात्रा में औषधि बना के दें जिसको हम समाज में निःशुल्क दे सकें और हम प्रमाण जनरेट कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंडस्ट्री में बधाई देना चाहता हूँ कि उनके ये एक्टिव पार्टिसिपेशन कर इतने लार्ज स्केल स्टडीज़ को हम इनिशिएट कर पा रहे हैं और उनके साथ मिल करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम इसको कर लेंगे। और मुझे ये भी पता है कि मैं खुद ही वैद्य हूँ, मुझे पता है कि ये जो हम कर रहे हैं निश्चित रूप से दूर दूर तक परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग बहुत बड़े स्तर पर आके सेक्टर को प्लेस विज्ञान के धरातल पर प्लेस कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब मैं जब छात्रों से बात कर रहा हूँ तो छात्रों की समस्याओं को मेरे को करनी चाहिए। मुझे पता है मैं यहाँ लगभग पौने तीन से हूँ। उसके पहले मैं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कुलपति रहा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। तो धरातल पर क्या स्थिति है का मुझे पता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं। और मित्रों मैं आपको ये बताना चाहूँ कि समस्याएं कहाँ नहीं है। तो इट इज़ नॉट यूनिक टू आयुष सेक्टर, इट इज़ नॉट यूनिक टू आयुर्वेद सेक्टर। शिक्षा क्षेत्र में समस्याएं हैं, ये भारत स्पेसिफिक भी नहीं है, पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं और समस्याएं भी हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण तो ये आज से कुछ वर्षों पहले तक हायर एजुकेशन का एक्सेस कम लोगों तक था और पिछले 20 वर्षों में ही इतना सुविधाओं का एक प्रकार से एक्सपोर्ट हुआ है, एक प्रकार से एक्सपांशन हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हुआ। तो जब कोई चीज़ अच्छा आती है तो थोड़ी समस्याएं आती है। जैसा मैंने पहले कहा कि हम समस्याओं का रोना लेके बैठते हैं, नहीं बढ़ पाए समस्याओं का हकमक रह करके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से कैसे समाधान ला सकते उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पर कई बार फैकल्टीज नहीं होते, कई बार हॉस्पिटल्स नहीं होते या वहाँ पेशेंट है। तो पिछले लगभग 250 से हमने प्रयत्न किया है, कॉलेज साथ मिलकर के किया है। इसके लिए जो बाधा थी ऐसे बाधा वाले रेगुलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर अपने पास के छात्र उसके लिए नीट को कंपलसरी किया है। उसको अपने न्यायपालिका ने भी उसको वेरीफाई किया है कि नीट का जो निर्णय आयुष का वो ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट में पोस्ट ग्रेजुएट में नीट कंपलसरी, उसके कारण क्वालिटी के छात्र आने लगे सेक्टर में। दूसरा जहाँ पर इस कॉलेजों को दिक्कत है, मैं जानता हूँ, मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन जहाँ पर ग्रोस नेग्लिजेंस है या जहाँ पर सुविधाओं में बहुत कमी है ऐसे कॉलेजों को पिछले 3 वर्ष में मना किया गया, उनके परमिशंस भी देना गया और इसका नंबर बहुत ज़्यादा भी कई बार ये लगभग 20% थे, 20% कॉलेज इसको मना पड़ा। लेकिन इस वर्ष से विश्वास से हम लगातार क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ध्यान दे रहे हैं और कॉलेजों के साथ मिलकर के काम कर इस वर्ष शायद ऐसी स्थिति नहीं आएगी क्योंकि प्रारंभ से ही संवाद बना हुआ है। एक तो ये हुआ विद्यार्थियों के पक्ष के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूँ कि हम लोग 10+2 से जब आते हैं कॉलेज में तो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है वो जनरली स्पून फीडिंग टाइप की थी है।
कि हमें बताया जाता है, नोट्स दे दिए जाते हैं, इसको हमारे लोग, हम छात्र लोग रट लेते हैं। मैं उसी परंपरा से आया हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और फिर कुलपति रहा तो भी मैंने देखा है कि बाय एंड लार्ज जो टीचिंग होती है वो वैसे ही होती है। शिक्षक लोग टीचिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते और एक प्रकार से छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए तैयार करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग लर्निंग प्रोसेस में से एक प्रकार से जाते हैं। जब आप विश्वविद्यालय होते हैं तो यू हैव टू श्योर कि आपको कोई स्पून फीडिंग आप एक्सपेक्ट न, उसकी अपेक्षा न करें कि कोई आपके मुंह में समझ डाला ज्ञान का। आपको ज्ञान के लिए तो आप पढ़ना पड़ेगा और आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो खुद ही उसके लिए रोकना पड़ेगा। और हमारे क्षेत्र में तो पेशेंट ये हमारे शिक्षक हैं, और पेशेंट के पास मुझे पता है कि आजकल के हमारे छात्र हैं, बहुत छात्र खूब लगातार पेशेंट के संपर्क में रहते हैं। बहुत सारे छात्र हैं वो इंटर्नशिप करने के बाद भी एक बार भी पेशेंट देखने नहीं जाते। उनको लगता है परीक्षा लिया वही हमारा धर्म है। आप जरा इसको एक बार आत्मनिरीक्षण करिए, पेशेंट के पास आप ज़्यादा समय बिताएंगे उतने आप शिक्षक बनेंगे, उतने ही आपको छात्रों की समझ ज़्यादा आएगी। ये सब ऐसा सत्य है जिसको मैं नया कुछ नहीं कह रहा हूँ, जानते हैं। मेरा आप सब आह्वान है कि एक बार स्पून फीडिंग की मानसिकता से बाहर आइए, अपने आप को ज्ञान पिपासु में परिवर्तित करिए, पेशेंट को गुरु मानिए और पेशेंट के पड़े रहिए। पेशेंट ही आपको सिखाएगा कि आपको शिक्षा कैसे करनी है। गुरु आपको मार्गदर्शन देगा लेकिन गुरु आपको सब कुछ नहीं दे सकता। मैं आपके माध्यम से मेरे प्रिय शिक्षकों को भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में एक समस्या है, यहाँ कोई एक पोस्ट ग्रेजुएट किसी ने कर लिया तो दे बी एबल टू बिकम ए टीचर। अब उसको शिक्षा की जो टेक्नोलॉजी है, की जो शिक्षक के रूप में जो पढ़ाने की क्षमता है, पढ़ाने के जो स्किल है, उसका कोई संबंध नहीं है। तो हमने जैसे नए एक्ट की बात कर रहा हूँ तो नए एक्ट में ये प्रोविज़न रखा है, कोई भी जिसको शिक्षक उनको टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरा, उनको शिक्षक की जो एप्टीट्यूड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो उनको पास करना होगा ताकि हम श्रेष्ठ शिक्षक पैदा करें। और श्रेष्ठ शिक्षक को तो श्रेष्ठ छात्र भी होंगे और अपने सेक्टर में श्रेष्ठ लोग आगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार के पर्सपेक्टिव से जो परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक तो एक्ट है कि अपना जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का जो 1917 का एक्ट है 1970 नॉट सेवन, वो उस एक्ट को करके इंडियन मेडिसिन के आयुर्वेद यूनानी सिद्धा सोवारिक्पा उसके लिए एक एक्ट लाया जा रहा है, उसको राज्यसभा ने पास कर लिया है और लोकसभा में अभी मॉनसून सेशन में ये एक्ट पास हो जाएगा। तो ये बिल पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन्स हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सके। और गुणवत्तायुक्त शिक्षण यही एकमात्र इलाज है, एकमात्र समाधान है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ इस माध्यम मंच के माध्यम, पिछले सप्ताह भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस ला करके सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को एक प्रकार से रिपील किया है, गवर्नर्स को ये जिम्मेदारी दी है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मेरी अपेक्षा है कि इन कार्यों के लिए आप तत्परता से लगे और नीचे तक ग्रास रूट के लेवल तक मैसेज जाए कि तो में गुणवत्ता के लिए हम लोग सब लोग कितने प्रयत्नशील हैं और उसका कुछ परिणाम भी दिखना चाहिए। छात्र के रूप में आपकी एक दूसरी जिज्ञासा होगी कि मैं आयुर्वेद में आया हूँ या मैं आयुर्वेद में आई हूँ, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास क्या मौके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ कर सकती इस क्षेत्र में। मेरे प्रिय छात्र मित्रों, इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जिसको यदि आप श्रेष्ठ देना शुरू करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक तो ये भारत सरकार ने अभी एक चैंपियन सर्विसेज स्कीम लॉन्च करी है। चैंपियन सर्विसेज के साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस
आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उनके साथ मिलकर के हमने एक रेगुलेटरी निकाला है। उसमें ऐसी संभावनाएं हैं कि यदि एंटरप्रेन्योर हमारे एक तरह के छात्र जो अभी ग्रेजुएट के पोस्ट ग्रेजुएट के आ रहे हैं और खुद का के साथ खुद के अपना खुद का देख के ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके ये स्कीम है कि सॉफ्ट लोन मिल सकती है गारंटर के बिना, और उस लोन में जो इंटरेस्ट पार्ट है उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट पार्ट है वो भारत सरकार करेगी। तो आप आगे आइए, उसका लाभ लीजिए, उसकी जानकारी वेबसाइट पर भी है, और यदि आपको और जानना हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। उसके साथ साथ इंश्योरेंस जुड़ा है कि इंश्योरेंस के साथ साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जुड़ा है। इंश्योरेंस को इसलिए जुड़ा है कि यदि हम ऐसा कुछ साहस करते हैं तो इंश्योरेंस कवरेज पेशेंट्स को होता है, तो पेशेंट्स आपके पास आते हैं। इंश्योरेंस में पहले जो प्रोहिबिटिव मेजर्स थे उसको हटा करके अभी एक चिकित्सक हो और आपके पास डे सेंटर हो तो 5 बेड तक का अस्पताल हो तो भी यू आर एलिजिबल टू गेट, योर पेशेंट्स आर एलिजिबल टू गेट इंश्योरेंस कवरेज। उसमें हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको ओपीडी के लेवल कंसल्टेशन उसका भी रिइंबर्समेंट दें। उसके लिए हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करी है, उन्होंने एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। हम सबको पता है आयुर्वेद के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स के लिए NABH एक्रेडिटेशन है, बहुत हॉस्पिटल्स ने उसको लिया है। एक प्रकार हॉस्पिटल का एक्रेडिटेशन कार्ड है जो बताता है कि ये विश्व वर्ल्ड लेवल पर मतलब पूरे विश्व के लेवल पर श्रेष्ठ गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। ऐसे डे केयर सेंटर पंचकर्म सेंटर भी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ABH स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं, उनसे बात करके एंट्री लेवल स्टैंडर्ड्स को करवाया है। एंट्री लेवल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी छोटा सा थोड़ा गुणवत्ता के प्रति अपना कमिटमेंट करें तो उनको एंट्री लेवल मिल सकते हैं, और एंट्री लेवल स्टैंडर्ड्स जिनके पास है दे आर एलिजिबल टू गेट इंश्योरेंस कवरेजेस और चैंपियनशिप सर्विस सेक्टर की स्कीम का के लिए प्रायोरिटी मिलेगी। एक प्रकार से आप देखिए कि ये तीनों मिलकर के यदि आप एंटरप्रेन्योर बने हैं कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो आप बड़ा मौका है। दूसरा क्षेत्र जो है पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद यदि आप रिसर्च जाना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में एक भ्रांति है कि हम लोग आयुर्वेद को जान गए हमें कंटर ली तो हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे मैं आपके साथ बात ये टेक्नोलॉजी है फेसबुक फेस लाइव के माध्यम से मैं मेरे कंप्यूटर पर बैठा हूँ और आप में कहीं भी है वो उसी समय आप सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी और आयुर्वेद ये दोनों को मिला करके हमें विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। ऐसे जमाने में है जहाँ हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में बेसिक साइंस के द्वारा काम हुआ है। मैं आपको आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बायोलॉजी करके भारत का एक प्रोग्राम है और बायोलॉजी का वर्किंग ग्रुप है, उनकी एक शिकायत है कि बायोलॉजी में प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो आयुर्वेद वाले लोग उसमें होते नहीं है, मतलब हम लोग उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है या हमारा उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि बेसिक साइंस के ऊपर समझ कम होती है, हमारे शिक्षा के अंदर उसको बहुत बताया नहीं जाता। नए क्यूरिकुलम में निश्चित कर रहे हैं कि हमें बेसिक साइंस एक्सपोजर मिले। दूसरी बात है कि इसे रिसर्चर हमारे पास जो अपेक्षा है वो सब कुछ करने के लिए है, वी कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है कि आप चिकित्सक भी हो फिर आप रिसर्चर भी बनोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो के लोगों को समझ में नहीं आती वो आपको बताते हैं, ये आपका एडवांटेज है। मैं आपको भारत सरकार की जो रिसर्च काउंसिल है उनका एक स्कीम के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप यदि PhD के लिए फेलो होना चाहते हैं तो आयुष नेट के हम हर साल एग्जाम देते हैं, उसमें 100 स्कॉलरशिप अवेलेबल है। 60 स्कॉलरशिप आयुष के लोगों के 40 है वो बेसिक साइंस के लोग।
लोग हैं। हेतु यह है कि आयुष के लोग कहीं वर्ल्ड क्लास संस्थानों में, IITs में जाएं, DBT के संस्थान में जाएं और वहां जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएट करें और रिसर्च के क्षेत्र में अपनी करियर बनाएं। मैं आपका ध्यान त्रिसूत्र पर भी आकर्षित करना चाहता हूँ। त्रिसूत्र कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के CSIR का एक संस्थान दिल्ली में है, IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, उसके अंदर चल रहा है और हम इसको पॉपुलरली जीनोमिक्स जानते हैं। वो आयुर्जीनोमिक्स प्रोग्राम जो है वो का जो प्रकृति जानते हैं, प्रकृति सिद्धांत को एक प्रकार से जीनोम्स के लेवल पर कैसे प्रस्थापित करते हैं, इसलिए ये बहुत वर्षों से चल रहा है। उन्होंने सारे प्रमाण एकत्रित किए हैं। प्रारंभिक रूप से जानने में मिले हम जो वातपित्त कफ प्रकृति बात करते हैं, वो वातपित्त कफ प्रकृति जीनोम के लेवल पर हम लोगों को कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि देर इज ए स्पेसिफिक पैटर्न वात प्रकृति एट जीनोम लेवल, पित्त एक जीनोम लेवल और कफ प्रकृति एट जीनोम लेवल। फिर उसको आगे बढ़ने के लिए माइक्रोबियोम और जीनोम एंड प्रकृति मिलकर के भी बहुत सारे काम आगे भी होने जा रहे हैं। तो मैं आपका जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इतनी सारी है, बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देर इज ए वाइड वाइड। दूसरा ओपनिंग, वैसे मैं चिकित्सा की तो बता ही दिया आपको कि आप स्वयं चिकित्सक हैं। दूसरा ओपनिंग एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री आर लुकिंग फॉर ग्रेट प्रोफेशंस फ्रॉम आयुर्वेद, तो आप जरा इस पर भी देखिए, अपनी इंडस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल MSME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनके साथ बात के उनके साथ एक अभियान करके हमने उनके साथ एक कार्यक्रम शुरू किया है, वो है इनक्यूबेशन सेंटर आयुष के केंद्रों में शुरू करना। सब पहला ओलिडा इंस्टीट्यूट में शुरू हो गया, दिल्ली में ओलिडा इंस्टीट्यूट आयुर्वेद है, वहाँ इनक्यूबेशन सेंटर शुरू हुआ है। और हमारे मन में देश भर के सभी कम से कम एक एक दिनों में शुरू हो जाए। इनक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? यदि आपके आपको कोई स्टार्टअप प्रारंभ करना है तो स्टार्टअप के लिए आपको कोई स्ट्रक्चर इमीडिएटली खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट सेंटर में जा करके अपने जो आइडिया है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, मार्केट ऑथोराइजेशन के लिए कोशिश कर सकते हैं, आपको जो बिग प्लेयर्स हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से उनके साथ आपका संपर्क करवाएगा, इसलिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ आता है इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री भी होता है। आपको पता होगा हमारे देश में विश्व भर से लाखों की संख्या में लोग आयुर्वेद और योग की चिकित्सा करते हैं। पूरे देश में ये श्रेष्ठ संस्थान बने हैं, इट इज ए सर्विस इंडस्ट्री, ये सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप उसको खुद भी खड़ा कर सकते हैं, जो और कोई एंटरप्राइज उसको कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ये एक दूसरी मैं आपको अपॉर्चुनिटी, तीसरी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। एक क्षेत्र है जो अपने देश में बहुत जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन विश्व भर के बहुत सारे जगहों पर इसका बहुत सारा प्रचार हुआ। आप US के बड़े शहरों में जाएंगे, न्यूयॉर्क ले लो, लॉस एंजल्स ले लो, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया ले लो, या दूसरे राष्ट्रों के बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको ना एक आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जाएंगे, आपको सुनसा लगेगा, लेकिन इट इज़ एन अनदर कि हमारे जो आहार शास्त्र है उस आहार शास्त्र करने के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। लोग अपने 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 स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अभी कुछ भी तैयार है, उसके लिए उनको स्वास्थ्य करने वाली आहार विधाएं देने का बड़ा हम सबको सबके सामने मौका है। एक और चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, वो ये है कि विश्व भर में आयुर्वेद प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड, देयर इज ए ट्रेमेंडस सप्लाई अगेंस्ट द डिमांड। शॉर्ट सप्लाई है, आप मुझे पूछेंगे कितने सारे हैं, लेकिन शॉर्ट सप्लाई कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे हैं। तो आप अपने आप को जब तक कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे तब तक इस अपॉर्चुनिटी को क्या आप कर पाएंगे? तो वो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अपने आँख कान खुले रखिए, अपने इंटरनेट पर देख रही है चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करिए, इस प्रकार के वेबिनार्स
पर पार्टिसिपेट करें तो आपके आँख कान खुलेंगे, आपको ध्यान आएगा कि विश्व में दरवाजे कितने बड़े बड़े खुले। इसके लिए मैं एक एक से करना चाहता हूँ कि हम कुछ भी काम करें, कोई भी करें, छोटा या बड़ा, अपने दिल से जब तक नहीं करते, अपने पूरे अस्तित्व नहीं करते, तब तक हम श्रेष्ठ अचीव नहीं कर पाते, तो अधूरा रह जाता है काम। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप कोई काम करने की ठाने तो ठान लें और उसके पीछे पड़ जाए और अपना श्रेष्ठ दें। कोई भी काम रहे होंगे उसमें सबसे टॉप पर रहेंगे, मेरा अनुभव भी है और मुझे पक्ष हुआ कि यही चीज़ काम करती है। आपको एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके पास समय कम है और कुछ समय में आपके जिज्ञासाओं के लिए भी रखना चाहता हूँ। मेरे सामने यहाँ बहुत सारे प्रश्न, आज के लिए भी मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ प्रमाण ऐसे कि वो प्रमाण आयुष के क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है उसको प्रश्न करते हैं। जैसे पिछले वर्षों में 6 जिलों में भारत सरकार ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर या तो आयुर्वेद और योग या यूनानी और योग या होम्योपैथी और योग, 2 जिले यूनानी के लिए, 3 जिले आयुर्वेद में और 1 जिला होम्योपैथी के लिए इस पर प्रयोग किया पूरे जिले। और आपको जानकर के आश्चर्य हो कि ये सब मिलकर के छहों जिलों में मिलकर के लगभग 5 लाख लोगों किया गया, कुल 3 लाख लोगों को स्क्रीन किया गया और उन पर जो प्रयोग से पता चला कि सिंपल इंटरवेंशन ऑफ आयुर्वेद और यूनानी और योग एंड होम्योपैथी और योग, उससे उनके लाइफस्टाइल, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई, उनका डिसीज कम हुआ, उनको कॉम्प्लिकेशंस की संभावना कम, ऐसे लोग लिए जिनको या तो डायबिटीज था या हाइपरटेंशन था या जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी और डिसलिपिडेमिया इसको कहते हैं, और या तो इसमें से 2 या इसमें से 3 थे, ऐसे लोगों को लिया गया और प्रयोग की जो परिणाम आए हैं ये बहुत वर्धक है। और उसको हम भी भारत सरकार का जो आयुष के साथ मिलकर के योजना है आयुष्मान भारत के अंदर, आपको ये जानकारी होगी ही, 1,500 हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है आयुष मोड से चलाए जा रहे हैं। प्रारंभ कैबिनेट ने उसकी अनुमति दे दी, ये कोविड कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन अभी इस वर्ष में हम 4,000 केंद्र शुरू करने जा रहे हैं, 31 तक हम इसको कर लेंगे और अगले 5 वर्ष में 12,500 प्रारंभ कर देंगे। 12,500 में हम इसको इस अनुभव को रिप्लाई कर रहे हैं और 12,500 अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी कभी हमारे पास आई। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार ये आत्मग्लानी या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में से बाहर आई, जब भी मैं कुछ बात करे, अभी मेरे सामने ये पेन जो आ रहा है सेंस का, उसमें बहुत सारे सेंस हैं जो ऐसे हैं कि हमारे भविष्य का क्या है, या आप निशुल्क दवाएं वितरित करवाइए, या आप बताए इसको आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, मैं सब सबको देखूंगा भी और निश्चित रूप से इसको हम एक एक तरह से पॉजिटिव परस्पेक्टिव से देखें कि इसमें कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं। मेरा निवेदन आपसे कि आप उसको भी देखिए, इतना काम हो रहा है उसमें अपना योगदान देने की, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, है ना, अपनी ओर से आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक साथ इतने सारे जवान यदि एक कोर्स के पीछे जुड़ जाए तो क्या नहीं हो सकता, इस बारे में आप सोचिए। और मुझे पता है निराशाएं तो होती हैं, समस्याएं भी होती हैं, समस्याओं में से रास्ता निकालना ये एक ह्यूमन के रूप में, मनुष्य के रूप में हमारे पास की स्किल है, उस स्किल का प्रयोग करके हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले आयुष की क्या थी, आज से 5 वर्ष पहले क्या थी, क्या है, तो हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, अच्छा समस्याएं हैं उसको भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले से बचा है, ये मैं आपको निवेदन करना हूँ। मुझे लगता है कि अपने पास कुछ एक थोड़ा सा समय मिनट का है, जिसके लिए मैं मेरे पास इतने सारे जो सजेशन हैं उस सजेशन को मैं के कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे क्या है कि कॉलेज की कंप्लेंट, उसे आपके पास मैकेनिज्म है तो बना चाहता हूँ। मुझे बताया कि अभी CCIM का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो लोग दे आर वेरी एफिशिएंट
और उनको हमने ये काम कि वो उसको श्रेष्ठ कर सकते हैं। एक ये भी आप एक फोरम डेवलप करें, ऐसा फोरम तो है आप, ये भी तो फोरम है जिस पर हम बात कर रहे हैं, फोरम। और मेरे पास भावना प्रसाद जी का ये है कि संजीवनी ऐप, आयुष संजीवनी ऐप ये डाउनलोड है, बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर लेकिन उपलब्ध है। आप आयुष संजीवनी का नाम सिर्फ संजीवनी नहीं, आयुष संजीवनी है, और संजीवनी को आप एक बार डाउनलोड करें। ऑफकोर्स बीटा वर्जन है, इसको हम और कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए तैयार है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस माध्यम भावना प्रसाद जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, मैंने सूत्र कार्यक्रम का मैंने उल्लेख भी किया। मैं आपको हमारे जो रिसर्च के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे पूछा गया तो अपना जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आईआईटीज है CCRAS, इन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क डेवलप किए हैं, बहुत सारे पैटर्न के नाम हैं, इन्होंने बहुत सारे किए हैं। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो कहते हैं स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण और समदोष समाग्नि इस बात करते हैं, स्वस्थ की परिभाषा हमारे पास, लेकिन हमने कभी स्वास्थ्य के बेंचमार्क नहीं किए कि भाई आप आयुर्वेद स्वस्थ हो बेंचमार्क क्या है, हाउ टू वेरी एक्टिवली उसका उन्हें बेंचमार्क दिया है, अभी उसको पायलट कर रहे हैं। और काम किया है जिसके बारे में प्रशंसा का उतना कम है, उन्होंने आयुष के मोर्बिडिटी कोर्स डेवलप किया है, और पूरे आयुर्वेद में नहीं लेकिन पूरे आयुर्वेद में हुआ है, आयुर्वेद यूनानी सिद्धा के टर्मिनल्स के मोर्बिडिटी कोर्स डेवलप है। मैं आपको आपको करता हूँ कि आप नमस्ते पोर्टल पर जाइए, गूगल पर आप टाइप करिए नमस्ते पोर्टल। नमस्ते पोर्टल इज ए पोर्टल पुट टर्मिनोलॉजी इज ऑल आयुष सिस्टम्स, और उसको हमने हम कोशिश कर रहे हैं कि WHO के अंदर जो ICD-11 है, जो डिसीज डायग्नोसिस के लिए एक प्रकार से विश्व में यूज़ किया है, उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर आयुर्वेद यूनानी और सिद्धा इंक्लूजन हो जाए अगले 2 वर्षों में, हम WHO करके काम कर रहे हैं। और ये पोर्टल जो है उसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग, हमारे पास आयुष मंत्रालय के पास एक आयुष ग्रिड योजना, आयुष ग्रिड योजना का उल्लेख हेतु क्या है कि वो जो भी आयुष रिलेटेड चीजें है, एवरीथिंग शुड हैव सॉल्यूशंस, इट्स ए काइंड ऑफ IT बैकबोन ऑफ आयुष, तो उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पायलटिंग कर रहे हैं, लेकिन वंस इट इज रेडी ये पब्लिक डोमेन में हम ऑफिस में दे देंगे। छोटा सा होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, एजुकेटेड होगा, एवरीबडी विल बी एबल टू यूज दिस सिंपल सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। यार हम क्या चाहते हैं कि देश भर में हम 60 से ज्यादा पेशेंट साल भर में देखते हैं, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मल कोई सिस्टम नहीं है। सो वी वॉन्ट दैट, वी हैव क्रिएट दैट। और HMIS जो है का सिक्योरिटी हो गया, पायलटिंग हो रहा है, 6 महीने में मुझे लगता है ये बहुत बड़े स्तर पर इसको लॉन्च करेंगे, और ये भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे एक संदेश आया है कि सभी वैद्य अपना 100% देंगे, बस सरकार और आयुष मंत्रालय का आवश्यक है। भाई साहब लकी जी, कहाँ आयुष मंत्रालय नहीं है, बात है ना। एक जरूर है कि आप इसको देखिए कि सब काम सरकार को करना चाहिए, उस मानसिकता में से हम बाहर आ जाए, हम लोगों को ये इस सोच में से बाहर आना चाहिए कि एवरीथिंग इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमें कुछ नहीं करना, इसमें से बाहर आ जाइए। सरकार सब कुछ करने की कोशिश करती है, वहाँ कुछ नहीं होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट इज ए फेसिलिटेटर बट विल नॉट डू एवरीथिंग, हम सब करके बहुत सारे काम हम कर लेंगे। मेरे पास अभी ये सुझाव भी है कि मेरा आवाज़ बीच बीच में कट हो रहा है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा। ये एक वो स्वप्निल का एक सजेशन है कि 1940 के एक का अपडेट कब हुआ, ये इनका इनका हेतु ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक एक्ट से है, और मैं स्वप्निल जी को बताना चाहता हूँ कि ड्रग एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक है वो थोड़ी डिबेटिव है, पता है, और इसको हम एक्सपांड करने प्रयत्नशील है, और वो हम इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे, और इससे क्या होगा कि क्षेत्र में काफ़ी बड़ा जोश आएगा रिसर्च के लिए, हम लोगों को नए न्यू फार्म
एंटिटी को के लिए हमें मौका मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं इसी के संबंधित है कि फूड स्टैंडर्ड्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री और फूड लाइसेंसिंग उनका है, उसमें बहुत सारे आयुष बेस्ड प्रोडक्ट्स भी वो लोग लाइसेंस देते हैं। तो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक आयुर्वेद आहार करके कैटरी डेवलप कर रहे हैं। दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द कैटरी कि आयुर्वेद आहार में जो हर्बल सप्लीमेंट्स को विदेशों में जाता है वो आयुर्वेद के ब्रांड जाए, लेकिन बहुत सारे रेसिपीज है जिसको आयुर्वेद के अंदर मिल सकते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है उसको भी आयुर्वेद आहार के अंदर ले सकते हैं। हम इसके लिए हम प्रयत्नशील है, हम करेंगे। अभी मेरे सजेशन आया कि भाई आप बजट क्यों नहीं बढ़वा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब एनडीए सरकार आई आज के दिन में 3 गुना से ज़्यादा बजट है, तो इसमें 3 गुना बजट कभी किसी भले का नहीं हुआ। तो अब जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते जा रहे हैं वैसे बजट जा रहा है। ऑफकोर्स जितना सब करें उसमें बजट और भी चाहिए होगा, उसके लिए प्रयत्नशील है और वो होगा। आप ये कंपेरिजन देखिए 2014 की अपेक्षा 2020 6 वर्ष में मोर 3 टाइम्स बजट, ये कहाँ हुआ है? ये हम इसको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण देता हूँ कि जैसे अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल जयपुर में है उनका एक एक्सटेंशन पंचकुला में खोल जा रहे हैं, उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया। ऐसे ही अपना जो आयुर्वेद दिल्ली में है उसका एक एक्सटेंशन गोवा जा रहे हैं। एक को सबको पता है रामनगर का जो IPCTR है उसको सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस का दर्जा देने जा रहे हैं। INA अपने क्षेत्र में अभी तक एक नहीं थी, दिस इज फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत सारे काम ऐसे रूप से हो रहे हैं, आगे भी होंगे। और निजी क्षेत्र में भी मेरा सजेशन है कि निजी क्षेत्र में बड़े क्यों नहीं है, मैं आकर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स हैं आगे आए हैं, उनके सेपरेट आयुर्वेद के विंग की जैसे बेंगलुरु में एक बड़ा हॉस्पिटल है, उन्हें पूरा 5 जिला 200 बेड का आयुर्वेद का सेपरेट शुरू किया है। मैदान दिल्ली में हरियाणा में है, गुड़गांव में उनका भी एक सेपरेट इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट। बहुत सारे काम हो रहे हैं, अपना बड़ा है, जित काम हो रहे नहीं है ये मुझे पता है और होने की आवश्यकता है और हम इससे इसको हम करेंगे। एक आयुर्वेद फार्मा कंपनी में जो स्थिति में इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अपना जो सरकार का नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है NPB, उसके बारे में हम जानते भी NPB को अभी नई ऊर्जा मिली है, नए CEO आए हैं हम और वो CEO डॉक्टर शास्त्री इज हैविंग टू पैनल, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस क्रिएशन का। हम क्या चाहते हैं कि ये आपने एक बताया एग्रीकल्चरिस्ट आयुर्वेद में क्यों जॉब नहीं, आपके पास मौका है इफ यू टू क्रिएट सम गुड कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स, प्लांट मटेरियल आप यदि देते हैं तो इंडस्ट्री के पास बहुत डिमांड है। हम अभी इंडस्ट्री और कल्टीवेटर को कनेक्ट कर रहे हैं। एक मैं आपको आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चरक करके एप्लीकेशन देखें, चरक एप्लीकेशन NPB की, और ये बायर सेलर का प्लेटफॉर्म है। आप जड़ी बूटी पैदा करते हैं, आप पर अपना अपनी प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं और जिनको वो उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और खरीदते हैं। पिछले 1 वर्ष में इस चरक प्लेटफॉर्म का है वो 350% था, इतना ज़्यादा इसका डिमांड भी है और बहुत सारा काम इससे भी हो रहा है कि सप्लाई चेन औषधि फार्म से लेकर के क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से लेकर के अच्छी पैदा हो और जंगल पर हमारी डिपेंडेंस, क्योंकि औषधि हम भी जिस तेजी से जंगल लेते जा रहे हैं यदि हम इसमें अपवेयर सुधारेंगे नहीं तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी औषधियाँ। NPB का एक बताना चाहता हूँ कि 10 साल का स्टडी करवाया, 10 वर्ष पहले जंगल से जो औषधि डिपेंडेंट है उसमें 10% की है और ये 10% की कम अधिक होती है और हम इसे कल्टीवेटेड प्लांट्स के ऊपर फोकस रहे और जंगल पर डिपेंड हो उसके लिए भी पाएं। मुझे लगता है कि मेरा सही गया और आप सब ने मुझे सुना, मुझे पता है कि थोड़ा आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम थी बट उसके बाद भी मेरी बात मैं पहुंचा पाया हूँगा इसका मुझे विश्वास है। आपका खूब खूब धन्यवाद, नमस्कार।